की मेजर बेटी कविता मील की शहादत ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई, लेकिन करीब 5 महीने के बाद ही शहादत की सच्चाई भी सामने आ गई। कविता के टैबलेट से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है उससे साफ हो गया है कि कविता को हार्ट अटैक नहीं आया बल्कि उसने सुसाइड किया था। इस रिपोर्ट में देखिए। शहादत के 5 महीने बाद सच्चाई आई सामने, मेजर कविता के सुसाइड नोट से खुलासा। हार्ट अटैक नहीं, कविता ने की थी खुदकुशी। राजौरी में सेना के अस्पताल फौजियों का इलाज करने वाली मेजर कविता मिल की शहादत परिवार के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी बड़ा झटका था। संदिग्ध हालत में जिस तरह मेजर कविता का निधन हुआ उससे परिवार परेशान था। परिवार को खबर मिली थी कि कविता की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन 5 महीने बाद पुलिस को मिले सुसाइड नोट से साफ हो गया कि कविता की मौत हार्ट अटैक नहीं बल्कि खुदकुशी थी। अब परिवार वाले राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को पत्र लिखकर डॉक्टर कविता मील के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल की सेवा बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सास ससुर और पति, मतलब पति ज्यादा, मतलब उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते थे कि भैया आपकी बेटी कैसे डेथ हो गई। अब रीजन क्या था कि हमको था उस टाइम इस हालत में नहीं थे। दोबारा गई तो वहाँ FIR दर्ज होगी और केस चल रहा है। अप्रैल 2023 में मेजर कविता की शादी डॉक्टर दीपक तेतरवाल के साथ हुई थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 को हुई संदिग्ध हालत में उनकी मौत। दीपक तेतरवाल उस वक्त बीकानेर के आर्मी अस्पताल में तैनात थे। शादी के करीब 5 महीने के बाद ही मेजर डॉक्टर कविता मिल की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नहीं सर, अभी सेना तो हमको अभी भी हर चीज, सेना तो जैसे अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, हम कोई कॉपी मांग रहे तो अभी भी हमको नहीं मिल रही है। अब हम तो यही चाहते सर बेटी को न्याय मिले और हम पीड़ित माँ बाप को थोड़ा मान, हमको कम से कम तसली मिले और उसको न्याय मिले। जो भी दोषी है उनको हम न्याय प्रक्रिया पर, न्यायालय पर सब पर विश्वास है और प्रशासन और जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी, पुलिस प्रशासन सब पर विश्वास है कि हमको न्याय मिले और हम न्याय की गुहार करें। कविता के परिवार ने सेना के उच्च अधिकारियों समेत राजौरी थाने में मेजर कविता मिल के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल, ससुर राम निवास और सास तीजू देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 28 अक्टूबर 2023 को ही मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ससुर रामनिवास को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसकी जमानत हो गई। सास तीजू देवी अग्रिम जमानत पर है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की अधीनस्थ अदालत में मामले का ट्रायल चल रहा है। शुरू के अंदर इस मामले के अंदर एक तरह से देखा जाए तो कुछ रहस्यमय परिस्थितियां सामने आई, लेकिन अब जो पीड़ित लड़की है उसके माता पिता उसको न्याय दिलाने के लिए सेना मुख्यालय, सेना हेडक्वार्टर के समक्ष लगातार उपस्थित हो रहे हैं। मामला काफी सीरियस है, संगीन है और वो ये चाह रहे हैं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए CBI से जांच हो। सेना मुख्यालय भी इस मामले के अंदर अब स्टेप उठाते हुए और इनको ये इस तरह का विश्वास दिलाया है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कविता ने अपने सुसाइड नोट 30 सितंबर 2023 को करीब 3 बजे लिखा था, जिसमें बताया गया कि वो 1 सितंबर को अपने पति से मिली थी। तब उसने न केवल मारपीट कर उसके नाक की हड्डी तोड़ दी बल्कि बाएं कान का पर्दा तक फाड़ दिया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पास मोबाइल और टेबलेट में मौजूद है। इसके अलावा दर्द से गुजरने की बात भी सुसाइड नोट में लिखी गई है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ उसके पति और उसके पति के लालची परिवार को बताया गया। सुसाइड नोट में लिखा है वो चाहती है कि कानून और भगवान उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि कोई भी किसी लड़की के साथ कुछ भी करने के बारे में सोच भी ना सके। साथ ही अपने से जुड़े सभी आर्थिक लाभों के उत्तराधिकारी बदलकर अपने पिता को बनाने की बात सुसाइड नोट में लिखी है। सुसाइड नोट में डॉक्टर कविता मिल ने डॉक्टर दीपक तेतरवाल का 2 और लड़कियों के साथ संबंध होने की भी बात कही।
अदालत ने डॉक्टर दीपक तेतरवाल जो मेजर के पद के ऊपर है उसकी जमानत के अंदर कड़ी टिप्पणी की है और उसके खिलाफ खारिज करते वक्त उसकी जमानत को उन्होंने माना है कि ये जो अल्प अवधि के अंदर जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है उसके अंदर दीपक तेतरवाल दोषी है और उसकी जमानत कड़ी टिप्पणी के साथ खारिज की है। राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को भेजे गए खतों में डॉक्टर कविता के पिता कमल सिंह और मां ने न केवल डॉक्टर दीपक को सेवाओं से बर्खास्त करने और डॉक्टर कविता के परिलाभ उन्हें देने की मांग की है बल्कि सेना के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की है जो डॉक्टर दीपक की मदद कर रहे थे। इसके अलावा राजौरी में उन्हें आर्मी अस्पताल की इमरजेंसी में पहले की ही तरह रुकने की सुविधा के साथ साथ वहां के अधिकारियों और कार्मिकों को पीड़ित माँ बाप के साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करने की भी मांग की गई है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी